नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हमारी गाय हो या भैंस हो, जब बच्चा दे देती है तो उसके बाद उनको अचानक से ज़्यादा फीड या ज़्यादा खुराक नहीं खिलाना चाहिए। कि कई बार क्या होता है कि जैसे ही आज भैंस ने बच्चा दे दी, उसके बाद हम अचानक से उसका दाना पानी जो फीड है वो अचानक से बढ़ा देते, जिससे भैंस के पेट में अफारा गैस जैसी संभावना हो जाती है और मिल्क फीवर और हल्का जो फीवर रहता है वो पेट फूला हुआ लगने लगता है। क्योंकि क्या होता है, जब भैंस बच्चा दे देती है तो पेट पहले से ही भरा रहता है, जो अचानक से खाली हो जाता है बच्चा देने के बाद, तो जो भी उनके पेट में गैस वैस रहती है या बोलना चाहिए कि जब वो मिल्क का प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे पीक पर आता है, तो उसको पीक पर लाने के लिए भैंस को धीरे धीरे ही फीड जो है बढ़ानी चाहिए। अचानक से फीड ना बढ़ाएँ तो इसमें बहुत अच्छा होगा आपकी भैंस के लिए या गाय के लिए। और जब भी आपकी भैंस या गाय बच्चा देगी तो उसे कम से कम 8 से 10 दिन के बाद ही उसकी फीड है जो आप एक्स्ट्रा देना चालू करें, यानी कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि अचानक से फीड जैसी भैंस ने बच्चा दी तो उसके बाद अचानक से उसका फीड ना बढ़ाएँ, और जो फीड देते आ रहे थे वही दें। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको चेंज करना है या बढ़ाना है तो वो कर सकते हो। साथ में अगर आपकी गाय या भैंस बच्चा दे रही है तो आप उसको गुड़ खिलाइए। अगर ब्यारी है, जैसे आज अगर ब्या गई आपकी भैंस, तो कल से आप उसको लगभग आधा आधा किलो एक एक टाइम में जो गुड़ है वो खिलाइए, कि आपको कैल्शियम खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे जानकारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। और पानी बहुत ज़ोरों से बरस रहा है दोस्तों, पानी आ गया।